हेलो असल पाकिस्तान दिस इज एनटाई फ्राम पाकिस्तान सटिजिक फोरम आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ हमारे एफ सिक्सटी की तस्वीरें आई जो कि टर्की गए हुए हैं नंबर अलेवन स्कॉन के उनके हवाले से एक पर्टिकुलर एफ सिक्सटीन की नोज़ के ऊपर जो इंडिया का फ्लैग बना हुआ है उसके हवाले से फिर उनके एयर फ्रेम के ऊपर एक टॉप गन फोर एक्स लिखा हुआ है उसके हवाले से और तीसरी आपको खबर देंगे जो लेटेस्ट पाकिस्तान एयर फोर्स ने कुछ जहाज़ प्रोक्योर किए हैं उस हवाले से वीडियो की तरफ जाने से पहले हम अपने तमाम नाजरन से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं जिस तरह की हम सबको पता है कि टर्की के अंदर एक्साइज चल रही हैं एनाटोलियन ईगल जिसके अंदर पाकिस्तान के एफ एक्सचेंज गए हुए हैं जो कि नंबर अलेवन स्कॉन यानी कि एरोस से हैं उन एफ एक्सचेंज के अंदर इन पर्टिकुलर एक एयरफ्रेम के ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था तो उस इंडिया के फ्लैग के ऊपर लेके बहुत से लोग सवाल पूछे थे कि ये क्यों लगा हुआ है ये याद रहे कि जो पर्टिकुलर एयर फ्रेम है ये F16 सिक्सटीन ब्लॉक फिफ्टीन ई एम है यानी कि एक्सटेंडेड मिड लाइफ अपडेटेड है और ये डबल सीटर F16 है यानी कि ड्यूल सीटर F16 है ये जो पर्टिकुलर F16 है जिसकी तस्वीर भी आप अपने सामने देख रहे हैं इसकी नोज के ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है ये बेसिकली किल मार्क है जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने इस के ऊपर लगाया था जब इसने 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयर फोर्स का सू थर्टी एम के आई शॉर्ट डाउन किया था अपने एम रैम ए आई एम वन मिसाइल है तो याद रहे कि ये जो डबल सीटर यानी कि बी मॉडल है ब्लॉक फिफ्टीन का ई एम का जो एफ सिक्सटीन है इसने इंडियन एयर फोर्स का सु थर्टी एम के आई गिराया था 27 फरवरी 2019 को तो इसलिए इसकी नोस के ऊपर इंडिया का फ्लैग एज ए किल मार्क बनाया गया है इसके बाद दूसरा जो के सिंगल सीटर है, जिसका सीरियल है। इसने इंडियन का मिक 21 गिराया था जो के उस वक्त के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान फ्लाई कर रहे थे और इसने भी एम रैम के थ्रू ही गिराया था फिर कुछ लोग ये सवाल पूछे थे कि इसके ऊपर टॉप गन फोर एक्स क्यों लिखा हुआ है मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटरनल कुछ एक्सरसाइज होती हैं एयर वॉरफेयर के हवाले से या एरियल वॉरफेयर के हवाले से उसके अंदर इस कॉन ने वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो फोर टाइम्स विन की हुई हैं तो इसकी वजह से इसके ऊपर टॉप गन फोर एक्स लिखा हुआ है या एक्स फोर लिखा हुआ है जिस तरह भी आप इसको पढ़ना चाहें तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि डी जी आई एस पी आर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने आप सिक्सटीन यूज़ नहीं किए मैं यहाँ पे ये बात बता दूं कि डी जी आई एस पी आर ने यह कहा था कि हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर एफ एक्सटीन यूज नहीं किए क्योंकि अगर आप देखें तो इसके बेसिकली उस दिन के दो फेजेज हैं फेज नंबर वन ये था कि हम इंडियन टेरिटरी के अंदर हमने एयर स्ट्राइक्स की थी सत्ताईस फरवरी के दिन जिसको आप ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जनरली कहते हैं जिसके अंदर मिराज और जे एफ सेवनटीन थंडर ने अपने बॉम्ब ड्रॉप किए थे इंडियन मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर मिराज ने एच फोर स्टैंड ऑफ वेपन यूज किया था और थंडर ने तकबीर बॉम्ब यूज किए थे और उसको असिस्टेंस हासिल थी री की, यानी रेंज एक्सटेंशन जी आई डी एस कंपनी पाकिस्तान की है उसने डेवलप की थी और दोनों ही एच फोर बी और तकबीर भी ये स्टैंड ऑफ वेपन है स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया मतलब वो आए हमारे जहाजों के पीछे जो स्ट्राइक करने के लिए गए हुए थे तो उस दौरान पाकिस्तान के एफ सिक्सटीन पेट्रोल कर रहे थे हमारी एयर बाउंड्री को और उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के एफ सिक्सटीन ने इंडियन एयरफोर्स का एक सू थर्टी एम के आई और एक मिग ट्वेंटी वन बाईसन शॉट डाउन किया था और वो एफ सिक्सटीन के थ्रू किए गए थे जो डीजीएसआर ने कहा था वो ये कहा था कि हमने इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक करने के लिए एफ सिक्सटीन यूज नहीं किए तहम हमने अपने डिफेंस में चूंकि वो हमारे मुल्क के ऊपर एग्रेशन कर रहे थे इंडियंस तो हमने अपने डिफेंस में अपने एफ सिक्सटीन्स के थ्रू दो इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए मिक ट्वेंटी एम के आई आई होप कि हमारी इस एक्सप्लेनेशन से जो कुछ भी आपके दिमाग में सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे तो अब चलते हैं एक और न्यूज की तरफ जिस न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स ने दो बीच क्राफ्ट सुपर किंग एयर थ्री फिफ्टी आई परचेज किए हैं एयर क्राफ्ट है उसका सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है एन नाइनटी नाइन के सी और जो दूसरा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है एन नाइन सेवन फाइव डब्ल्यू पी और इन दोनों की तस्वीरें आप अपने सामने देख सकते हैं सोर्सेज के हिसाब से ये जो दो जहाज प्रिक्योर किए गए हैं ये रिप्लेस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के हार्बिन वाई ट्वेल्व लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट को ये जो पर्टिकुलर सुपर किंग एयर थ्री फिफ्टी आई है इसके इलेंट और सिगेंट वेरियंट भी मौजूद है यूएस एयरफोर्स के अंदर उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं तहा जो हमने जितना अभी तक हमने रिसर्च किया है ये हार्बिन वाई ट्वेल्व जो कि लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स का उसी को रिप्लेस करने के लिए लाए गए हैं तो आज के लिए बस इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दिस इज एंटाई साइनिंग ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद